मारुति सुजुकी की सिलेरियो जब पहली बार इंडियन मार्केट में उतारी गई थी तब दिखने में कुछ खास नहीं थी, लेकिन दो चीज़ें काफ़ी यूनिक थी गाड़ी में। पहली बार इंडिया में AMT जो गियरबॉक्स उसको इंट्रोड्यूस किया था सिलेरियो ने, और साथ ही साथ दो सिलेंडर का डीजल इंजन भी लेके आई थी सिलेरियो, जो आप में से कई लोगों को याद भी होगा। जो डीजल इंजन है ऑफकोर्स वो पिट गया, वो नहीं चला, कुछ खास नहीं था वो इंजन वैसे भी, लेकिन AMT ये एज ए टेक्नोलॉजी AMT गियरबॉक्स हिट हो गए और अब बहुत सारी कंपनीज उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे नई सिलेरियो की, वो बात थी पुरानी सिलेरियो की जो अब बंद हो चुकी है, नई सिलेरियो अब आ गई है, आप खरीद सकते हैं। और हमारे पास ये गाड़ी पिछले 3 महीने से ऊपर से हमारे लॉन्ग टर्म फ्लीट में है। हम आज आपको बताएंगे इस गाड़ी की सारी खूबियाँ खामियाँ, एज एन ओनरशिप पर्सपेक्टिव क्या आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे क्या आपको अपना पैसा इस गाड़ी पे लगाना चाहिए या नहीं। तो अब बात करते हैं सिलेरियो के कैबिन एक्सपीरियंस की, लेकिन उससे पहले बता दूं गाड़ी में एंट्री और एग्जिट बहुत ही आसान है, इंग्रेस इग्रेस जिसे कहते हैं। बहुत ऊंची गाड़ी नहीं है ये, लेकिन उसके बावजूद डोर्स का जो साइज़ है, डोर्स का जो ओपनिंग एरिया है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण से आगे और पीछे दोनों ही साइड में गाड़ी के अंदर घुसना और निकलना काफ़ी आसान है। तो अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स भी हैं उनके लिए भी उस रिस्पेक्ट से भी ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैबिन एक्सपीरियंस की, यानी कि डैशबोर्ड की, और डैशबोर्ड पे आप देखेंगे पूरा एक डार्क आपको यहाँ पे थीम मिलती है, फुल प्लास्टिक है यहाँ पे, हर जगह ऊपर प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक्स का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्स्चरिंग दी गई है टॉप एरिया पे, अच्छी लगती है, लेकिन ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी में कहूँगा डिसेंट है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस लेवल की है। यहाँ पे आपको एक 7 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन भी मिलता है जो सुजुकी का स्मार्ट प्ले सिस्टम के साथ आता है, काफ़ी अच्छी टच स्क्रीन है, कलरफुल है, कैबिन में थोड़ा सा एनर्जेटिक फील देती है, साथ ही साथ टच रिस्पॉन्स के मामले में काफ़ी बढ़िया है, विजिबिलिटी भी इसकी अच्छी है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले जैसी फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी एक स्क्रीन है, और एक अगर आप लॉन्ग टर्म यूजर्स के हिसाब से देखेंगे, जब आप गाड़ी को यूज़ करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, आपकी कनेक्टिविटी और इंफोटेनमेंट वाली यूजर्स के हिसाब से काफ़ी बढ़िया यूनिट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी सिंपल सा है, क्लियर है, पढ़ने के मामले में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ईजी मैनर में दिखाई जाती है। और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर सिलेरियो एक काफ़ी प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट में है, लेकिन उसके बावजूद अच्छे फीचर्स दिए गए हैं गाड़ी में। आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, जिससे कि आप अपने सिस्टम के लिए ऑडियो कंट्रोल्स और साथ ही साथ फ़ोन कंट्रोल्स आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। एसी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी में मैनुअल एसी मिलता है, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता है सिलेरियो में, लेकिन द एयर कंडीशनिंग इटसेल्फ बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हमने इस गाड़ी को जून की गर्मी में भी चलाया है, जब पारा करीब 45 डिग्री सेल्सियस पे था, तब उस गर्मी में भी इस गाड़ी का एसी काफ़ी इफ़ेक्टिव था। गाड़ी की जो कैबिन कूलिंग क्षमता है वो बहुत अच्छी है, जल्दी से कूल होता है और काफ़ी इफ़ेक्टिवली कूल होता है, तो उस मामले में फुल मार्क्स देता हूँ मैं सिलेरियो को। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एक ओवरऑल कैबिन के सेंस की, तो एक काफ़ी एयरी सा कैबिन है, विजिबिलिटी आपको अच्छी सी मिलती है, आपको इसमें अंदर वो एक दम घुटने वाली फीलिंग, जिसे इंग्लिश में क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग कहते हैं, वो नहीं आती इस गाड़ी में, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही साथ में सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, आगे कुशनिंग अच्छी है, साइड सपोर्ट अच्छा है, और सिंगल फ्रेम की सीट है, हेडरेस्ट यानी कि इंटीग्रेटेड है, लेकिन उसके बावजूद कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखता फ्रंट की सीट्स में मुझे कंफर्ट के मामले में। उसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो आपके डोर पॉकेट्स काफ़ी बड़े हैं, इतनी बड़ी 1 लीटर की बॉटल आराम से डोर पॉकेट में आ जाएगी, और अभी भी काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
यहाँ पे अब आपको एक अच्छा काफ़ी एक बड़ा स्टोरेज एरिया मिलता है, आपका अपना वॉलेट, स्मार्टफोन, दो कप होल्डर, ये सब यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। तो यूज़बिलिटी के हिसाब से अगर देखें, ये कैबिन जो है सिलेरियो का अब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और काफ़ी ज़्यादा यूज़बल हो गया है। तो अब जाके बात करते हैं हम सिलेरियो की रियर सीट एक्सपीरियंस की। एक मिनट, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, वो है ये कंट्रोल्स, इस गाड़ी के पावर विंडो बटन्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ नहीं, जो कि हम सबको आदत है। अब कंपनी आपको कई बार जब अगर आप पूछेंगे डीलरशिप पे जाके या किसी एग्जीक्यूटिव से, वो बोलेंगे नहीं ये बहुत अच्छा होता है, ये ज़्यादा बेटर है, रिसर्च बताती है कि ये बेटर है यार ड्राइवर के लिए, कन्वीनियंट है, सब बेकार की बातें हैं। सीधी सी बात ये है कि कुछ कंपनीज़ यहाँ पे पावर विंडो बटन इसलिए लगाती हैं क्योंकि सीधा सीधा कॉस्ट सेविंग है। अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, दरवाजे तक आपको वायरिंग लानी पड़ती है, कंट्रोलर्स होते हैं, सर्किट होता है, पूरा एक सिस्टम आपको यहाँ तक लाना पड़ता है, वो सब कुछ हट गया है, अब सब कुछ यहीं पे है। तो वो एक जो कॉस्ट सेविंग है वो मेन रीज़न है कि आपको यहाँ पे कंट्रोल्स क्यों दिए गए हैं। बट मैं इसका फ़ैन नहीं हूँ, मैं आज भी प्रेफर करूँगा कि कंट्रोल्स यहीं पे हों, आर्मरेस्ट के पास। रेयर सीट की बात की जाए तो अब सिलेरियो की रेयर सीट आप देख सकते हैं, काफ़ी एक बढ़िया स्पेशियस कार जैसी आपको फील देती है, और वो इसलिए है क्योंकि स्पेस अच्छी है गाड़ी के अंदर। अब काफ़ी ज़्यादा बायर इस सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो फैमिली पर्सपेक्टिव के हिसाब से अच्छी हो, और वही काम सिलेरियो में आपको बढ़िया तरह से करने का मौका मिलता है। यानी कि स्पेस देखेंगे आप तो ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है, और आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी नी रूम अभी भी है। हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी काफ़ी बचा हुआ है मेरे पास, यानी कि अगर आप मुझसे लंबे हैं और यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स लंबे यहाँ पे बैठेंगे, स्पेस की उन्हें कोई ख़ास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीट की मैं बात करूं तो सीट इसकी, अगर कुशनिंग की बात की जाए तो कुशनिंग इसकी अच्छी है, कुशनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक रेस्ट एंगल भी सही है। जहाँ पे थोड़ी दिक्कत है वो है इसकी अंडर थाई सपोर्ट। अब मैं काफ़ी लंबा नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बहुत कमी सी लग रही है इसमें, तो अगर आप मुझसे लंबे हैं तो आपको ये कमी ज़्यादा खलेगी। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टोरेज स्पेस की, स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी है, डोर पॉकेट्स में आराम से बड़ी बॉटल्स आप रख सकते हैं, उसके अलावा भी कुछ सामान रख सकते हैं, और उसके अलावा आप अगर सीट में ही बैक रेस्ट की बात करेंगे इस हेड रेस्ट की, तो ये बिल्कुल सामने वाली सीट की तरह इंटीग्रेटेड है, वन पीस सीट के साथ ही। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये तो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ये एक तरह से बेकार हैं, कोई ख़ास काम करते नहीं हैं, और उसका रीज़न ये है कि एडजस्टेबल नहीं है, तो उस कारण से यहाँ पर एक परफेक्ट सीटिंग पोजिशन मिलना काफ़ी मुश्किल है। और क्योंकि ये एडजस्टेबल नहीं है, अलग अलग साइज़ और हाइट के लोग बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम हर किसी को थोड़ी बहुत बनी रह सकती है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम कैबिन के अंदर ये है, सेम जो पावर बटन्स आगे अजीब से डैशबोर्ड में प्लेस थे, यहाँ पे भी होने यहाँ चाहिए थे लेकिन हैं यहाँ पे। अब इसमें भाई सिंपल सी दिक्कत ये है कि अगर कंट्रोल यहाँ होते हैं और मुझे एज एन ऑक्यूपेंट विंडो रोल डाउन करना है, मुझे सिर्फ इतना सा अपना हाथ लाना है या बटन दबाना है या खींचना है और काम हो गया। यहाँ पे मुझे झुकना पड़ेगा विंडो खोलने के लिए या उसको वापस बंद करने के लिए, फिर पीछे आना पड़ेगा, तो कंफर्ट का तो जो पॉइंट है मुझे कहीं दिखता नहीं कि इस कंट्रोल प्लेसमेंट से कंफर्ट कैसे बढ़ता है। इनकन्वीनियंस ज़रूर होती है, अटपटा सा लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं सिलेरियो में जो थोड़ी सी ठीक नहीं है या ठीक हो सकती थी। लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी कैबिन को देखेंगे, स्पेस के मामले में, यूटिलिटी के मामले में, एक यूज़बिलिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया तरह से स्कोर करती है नई सिलेरियो। किसी भी फैमिली कार के लिए बूट स्पेस एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, और नई सिलेरियो में ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। बूट स्पेस इस गाड़ी का पहले से बढ़ गया है, बूट स्पेस का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, जिस कारण से स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हैं, आज हमारे पास सिर्फ दो ही छोटे कैमरा बैग हैं, इनफैक्ट मीडियम साइज़ कहूँगा, और इन दोनों को मैं रख के आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ स्पेस का।
काफ़ी अच्छा बड़ा बूट है सेगमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर आप एयरपोर्ट रन्स या फिर वीकेंड गेटअवे भी प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिलेरियो का जो अब नया बड़ा बूट कैपेसिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है। आइए अब बात करते हैं सिलेरियो की परफॉर्मेंस की। और इस गाड़ी में आपको मिलता है 1 लीटर का इंजन। ये है नया इंजन, पुराना वाला इंजन नहीं यूज़ किया यहाँ पे, गाड़ी ही नहीं है, हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है ये। और 1 लीटर का के सीरीज इंजन है इसमें, और ये डुअल जेट इंजन है। बहुत बड़ा चेंज नहीं है पहले से, लेकिन नंबर्स को अगर अलग रख के देखा जाए, रिफाइनमेंट लेवल और इंजन जिस तरह से ऑपरेट करता है और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और ख़ासकर फ्यूल एफिशिएंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि एक अच्छी बात है। अब पहले अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजन काफ़ी रिफाइंड हो गया है पहले से। जब से आप स्टार्ट बटन दबाते हैं, इंजन स्टार्ट होता है और आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तभी से परफॉर्मेंस काफ़ी इसकी ठीक है, कोई कमी नहीं आपको नज़र आएगी इसकी परफॉर्मेंस में, लैग नहीं है, तो इंजन उस मामले में बिल्कुल ठीक है। पावर की बात मैं करूं तो पावर ठीक है, एडिक्वेट आपको एक फीलिंग देता है, स्पोर्टी नहीं है, एट द सेम टाइम आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि अरे यार गाड़ी जा ही नहीं रही है या चल ही नहीं रही है, तो उस हिसाब से चलाने के मामले में भी ठीक है ये गाड़ी। और हम जो गाड़ी चला रहे हैं अभी, जो हमारे पास है 3 महीने से, वो है AMT वर्जन, जिसे मारुति AGS कहती है। और AMT वेल, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी पहले से इम्प्रूव हो गई है। अगर आप पिछली सिलेरियो से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है इसकी परफॉर्मेंस में। और ये ध्यान रखिएगा कि हार्डवेयर में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये वही AMT है जो पुरानी सिलेरियो में यूज़ होता था और बाकी गाड़ियों में यूज़ हो रहा है मारुति सुजुकी की, जिसे मैग्नेटी मेरे लिए सप्लाई करती है। लेकिन सिर्फ कैलिब्रेशन से, हर गाड़ी से लर्निंग्स लेके, फीडबैक लेके मारुति उसे ट्यून करती आ रही है, और वो ट्यूनिंग से, कैलिब्रेशन से आज बहुत इम्प्रूवमेंट आ गए हैं इसमें। बेशक पूरी तरह से जो एक शिफ्ट के बीच में एक गैप होता है, एक लैग होता है, वो पूरी तरह एलिमिनेट नहीं हुआ है, लेकिन पहले से काफ़ी कम हो गया है, जिसके कारण जहाँ कुछ साल पहले AMT चलाने का कोई एक मज़ा नहीं होता था, अब यहाँ पे वैसा महसूस नहीं होता है। पावर के मामले में भी अगर आप गाड़ी को सिटी में चला रहे हैं तो बिल्कुल एफर्टलेस आपको ड्राइव मिलती है, AMT अपना काम अच्छी तरह से करता है। अगर आप हाईवे पे भी या एक्सप्रेसवे पे भी कभी जा रहे हैं, तब भी 80-100 की स्पीड मेंटेन करना या वहाँ तक पहुँचना कोई मुश्किल वाला काम नहीं आपको लगेगा इस गाड़ी में। आप बेशक 100 से काफ़ी ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी अपने आप को जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है 80 to 110, 115 के बीच में, ये एक वो स्पीड रेंज है जहाँ पे ये कंफर्टेबल फील करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी रिफाइनमेंट लेवल की कैबिन के अंदर, जिसे हम NVH लेवल्स कहते हैं, तो NVH लेवल्स पहले से कम हुए हैं, यानी कि अंदर जो एक आवाज़ आती है बाहर से टायर की, हवा की, इंजन की, वो अब कम आ रही है पहले से, जिससे कि अंदर आपको कैबिन एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलता है, शांत वातावरण मिलता है आपको गाड़ी के अंदर। उसके अलावा हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं तो ये एक न्यूट्रल गाड़ी है हैंडलिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये एक स्पोर्टी गाड़ी नहीं है, एक फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है जो कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी मोबिलिटी के लिए बनी है। और अगर आपको 90-100 की स्पीड से पैनिक ब्रेकिंग भी करनी पड़ जाए कभी, तो उस कंडीशन में भी गाड़ी अपनी लाइन ज़्यादा नहीं छोड़ती है, कंपोजर नहीं छोड़ती है, स्टेबल रहती है। उसके अलावा अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूँ, सस्पेंशन इसका सॉफ्ट साइड पे थोड़ा सा इंक्लाइंड है, जो कि होना भी चाहिए एक ऐसी गाड़ी के लिए जो फैमिली को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो उस एंगल से जो आपके ख़राब खड्डे वाले रास्ते होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, या काफ़ी गहरे पॉट होल्स भी हों, उनको हैंडल करने में गाड़ी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कैबिन के अंदर मूवमेंट नहीं होता है, तो पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट भी कम लगता है, और उस हिसाब से सस्पेंशन की परफॉर्मेंस भी इम्प्रेसिव है नई सिलेरियो में। और अगर मेन
मुद्दे की बात पे आए सिलेरियो के लिए, जो कि है फ्यूल एफिशिएंसी कितना देती है, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस गाड़ी के लिए। माइलेज के मामले में अगर हम अपनी रनिंग देखें पिछले 3 महीने की, हमने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट हर कंडीशन में चलाया है, ट्रैफिक में, हाईवे पे, रात में, खाली सड़कों पे, 5 लोग बिठा के, सामान डिग्गी में भर के, हर तरह से इस गाड़ी को हमने टेस्ट किया है। और उन सब कंडीशंस के बावजूद जो हमारी एक एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी हमने रिकॉर्ड करी है वो करीब 17.5 किलोमीटर टू अ लीटर है दिल्ली जैसे शहर में। और अगर आप थोड़ा सा आपका रन रेगुलर है, आप गाड़ी को आराम से चलाते हैं, तो आई थिंक आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा या इसके आसपास फ्यूल एफिशिएंसी आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिटी में। अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो बेशक आप 20 से ऊपर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी या माइलेज कहें उसके मामले में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है नई सिलेरियो का। एंड इस सेगमेंट में जो टिपिकल बायर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उस एस्पेक्ट पे काफ़ी अच्छी तरह डिलीवर भी कर रही है ये गाड़ी। तो ओवरऑल ड्राइविंग का जैसे मैंने आपको बताया, चलाने में अच्छी है, रिफाइंड है, फ्यूल एफिशिएंट है, स्मूथ है। विजिबिलिटी भी अगर आप देखेंगे गाड़ी में चारों ओर काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है, तो गाड़ी को टाइट स्पॉट से निकालना या पार्किंग में लगाना वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल ड्राइविंग के मामले में एक बढ़िया पैकेज आपको मिलता है नई सिलेरियो में। लेकिन जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी उस गाड़ी में ये है कि खासकर ये जो AMT वर्जन है, इसमें आपकी सारी चीज़ें जो एक ड्राइविंग की आपकी एक अप्रोच है वो होनी चाहिए हमेशा हौले हौले। ज़्यादा तेज करने जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आप कई बार हमारी आदत होती है मॉल में जाते हैं पार्किंग लॉट में जल्दी गाड़ी लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपने आगे करी फिर रिवर्स करेंगे फिर लगाएंगे तो उसमें हम जल्दी गियर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे अगर इस गाड़ी में आप फटाफट एकदम से ब्रेक दबा के एकदम से उसको डी में डालेंगे, रोकेंगे फटाक से उसको आर में डालेंगे, तो कई बार आपको लगेगा कि वो शिफ्ट सिलेक्शन हुआ ही नहीं है और वो एकदम से 1-1.5 या 2 सेकंड बाद होगा, तो वहाँ पे एक गैप आ जाता है। तो द बेस्ट वे टू ड्राइव द न्यू सिलेरियो मैं कहूँगा इज़ टू ड्राइव इट जेंटली। जेंटली आप ड्राइव करेंगे तो काम जल्दी होगा, बजाय जल्दी करने के जहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ईजी ड्राइव वाली गाड़ी है ये, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ईजी ड्राइव आपने करनी है। तो अब बात करते हैं सिलेरियो के प्राइसिंग की। अब प्राइसिंग आप देख सकते हैं जो इसकी रेंज है वो अपनी स्क्रीन्स पे, और अभी आप देखेंगे प्राइसिंग के मामले में वैल्यू बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। सो ओवरऑल जैसा कि आपको बताया, इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस, इसकी कंफर्ट, इसके फीचर्स सब कुछ काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है। वैल्यू फॉर मनी आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छी मिलती है, स्पेशली लोअर और मिडिल वेरिएंट्स में। टॉप वेरिएंट की अगर बात करी जाए जो हम चला रहे हैं, इस वेरिएंट की जो प्राइस है, इस वेरिएंट में प्राइस में मेरे हिसाब से एक जो कमी है वो है रियर पार्किंग कैमरा का ना होना। अभी इस गाड़ी में आपको सिर्फ मिलते हैं रियर व्यू पार्किंग सेंसर्स, कैमरा नहीं है, और इस प्राइस पे कैमरा ज़रूर होना चाहिए था मेरे ओपिनियन में। बाकी वेरिएंट्स बिल्कुल ठीक हैं, इस टॉप वेरिएंट में मैनुअल और AMT दोनों में रिवर्स पार्किंग कैमरा होना चाहिए था, और साथ ही साथ ये जो मैंने पावर विंडो स्विचेस की प्लेसमेंट बोली पहले, ये एक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है इस गाड़ी में। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है, हर मामले में इम्प्रूव हुई है। और सिर्फ एक चीज़ जो इसमें आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि इस प्राइसिंग पे इसका मेन राइवल सिर्फ टाटा टियागो जैसी ही गाड़ियाँ नहीं हैं, सिलेरियो का कंपटीशन मारुति के अंदर ही वैगनार जैसी गाड़ियों से भी होगा, क्योंकि इसी प्राइसिंग, इसी बॉल पार्क फिगर में आप वैगनार भी खरीद सकते हैं, लेकिन 1.2 लीटर इंजन के साथ, बड़ा इंजन, ज़्यादा पावरफुल। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जो पर्सनली एक टॉल बॉय डिज़ाइन प्रेफर नहीं करते, अगर आप उस कैटेगरी ऑफ पीपल में आते हैं, तो आई थिंक सिलेरियो इज़ अ गुड ऑप्शन हर मामले में, फ्रॉम अ फैमिली परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ अर्बन कार परस्पेक्टिव, अच्छा परफॉर्मेंस देती है और वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है ये।